यूपी में नदियों के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल भी मालवाहक जहाजों के लिए किया जा रहा है। इससे यूपी में आवाजाही आसान हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन तेज और सस्ता हुआ है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम का आकलन मैं सिर्फ निवेश के लिहाज से नहीं कर रहा हूं, यहां आप सभी निवेशकों के बीच जो आशावाद दिख रहा है, बेहतर रिटर्न की जो उम्मीद दिख रही है, उसका संदर्भ बहुत व्यापक है। आज आप दुनिया में कहीं भी जाएं, भारत को लेकर अभूतपूर्व पॉजिटिविटी दिख रही है। चार पांच दिन पहले मैं यूएई और कतर की विदेश यात्रा से लौटा हूं। हर देश भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर आश्वस्त है, भरोसे से भरा हुआ। आज देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत को बेहतर रिटर्न्स की गारंटी मान रही है। अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के नजदीक लोग नए निवेश से बचते हैं, लेकिन आज भारत ने ये धारणा भी तोड़ दी है। आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत में सरकार की पॉलिसी की स्टेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। यही विश्वास यहां यूपी में, लखनऊ में भी झलक रहा है। भाइयों और बहनों, मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं तो इसके लिए नई सोच भी चाहिए, नई दिशा भी चाहिए। देश में जिस प्रकार की सोच आजादी के अनेक दशकों तक रही, उस पर चलते ये संभव ही नहीं था। वो सोच क्या थी? सोच थी कि देश के नागरिकों का जैसे तैसे गुजारा कराओ, उन्हें हर मूलभूत सुविधा के लिए तरसा कर रखो। पहले की सरकारें सोचती थी कि सुविधाएं बनाओ तो दो चार बड़े शहरों में नौकरियों के अवसर बनाओ तो कुछ चुनिंदा शहरों में, ऐसा करना आसान था क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती थी। लेकिन इसके कारण देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रह गया। यूपी के साथ भी अतीत में ऐसा ही हुआ है, लेकिन डबल इंजन सरकार ने उस पुरानी राजनीतिक सोच को बदल दिया है। हम उत्तर प्रदेश